वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। बोल चाल की भाषा में घर में हम एक तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज मैं आपको 25 बहुत ही ईजी सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप डेली बोल चाल में ज़रूर बोलते होंगे, और आपको इसका उपयोग करना है ताकि आपके बच्चे भी सीखें और उन्हें भी सिखाना है कि कैसे बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 25 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला सेंटेंस, मेरे होंठ फट गए हैं। मेरे होंठ फट गए हैं, क्योंकि सर्दी आ गई है तो इन सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माय लिप्स आर चैप्ड। क्या बोलेंगे? माय लिप्स आर चैप्ड। मेरी एड़ी फट गई है। यहाँ बोलेंगे माय हील्स आर चैप्ड। होंठ फटने के लिए बोलेंगे लिप्स आर चैप्ड, एड़ी फट गई है इसके लिए बोलेंगे माय हील्स आर चैप्ड। मेरे गाल फट गए हैं, माय चीक्स आर चैप्ड। फटने के लिए वर्ड होता है चैप्ड, तो जब आप बोल रहे हैं मेरे होंठ फट गए इसके लिए बोलेंगे माय लिप्स आर चैप्ड, एड़ी फट गई है माय हील्स आर चैप्ड, गाल फट गए हैं तो इसके लिए बोलेंगे माय चीक्स आर चैप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस बात करते हैं घर के कामों के लिए। तो अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? आई एम स्वीपिंग अप। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पोछा लगा रही हूँ, आई एम मॉपिंग अप। मैं पोछा लगा रही हूँ, आई एम मॉपिंग अप। मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेज। मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेज। मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अब तो झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, अब हम किसी को बोल रहे हैं कि कपड़े सुखा दो, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राई आउट द क्लोथ्स। कपड़े सुखा दो, ड्राई आउट द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? ड्राई आउट द क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घर के काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड कोर्ट्स। मैं घर के काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड कोर्ट्स। तो ये बात हो गई कि ओट फट गए, एड़ी फट गई घर के काम के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं आलू छील दो, तो इसको क्या बोलेंगे? पील ऑफ द पोटैटो। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटो। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंजेस। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंजेस। खीरा छील दो, पील ऑफ द ककुम्बर। हमने जाना छीलने के लिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे पील ऑफ। पील ऑफ द पोटैटो, पील ऑफ द ऑरेंजेस, पील ऑफ द ककुम्बर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब जैसे आप बोलना चाह रहे हैं चादर बिछा दो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? स्प्रेड द बेडशीट। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। अगर आप बोलना चाह रहे हैं बिस्तर लगा दो, तो इसके लिए बोलेंगे मेक द बेड। क्या बोलेंगे? मेक द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। तो ये बात होगी बिस्तर लगाने की। अब बात कर रहे हैं जैसे हम बोलना चाह रहे हैं ढक्कन खोल दो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? ओपन द लिड। या फिर आप कवर बोल सकते हैं, कैप बोल सकते हैं। तो ढक्कन को हम कवर बोल सकते हैं, कैप बोल सकते हैं, लिड बोल सकते हैं। तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं ढक्कन खोल दो, तो इससे आप बोलेंगे ओपन द लिड। एक सेंटेंस है नल खोल दो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप। क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। तो नल के लिए यूज़ करते हैं टर्न ऑन द टैप, नल बंद करने के लिए टर्न ऑफ द टैप। अगर आप बोलना चाह रहे हैं पंखा खोल दो, तो इसके लिए बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। पंखे के लिए क्या बोलेंगे? पंखा खोल दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा टीवी खोल दो, स्विच ऑन द टीवी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करते हैं उसे खोल दो, बंद कर दो, तो यहाँ आप बात करेंगे स्विच ऑन, स्विच ऑफ। अगर आप बात करेंगे नल के लिए, तो यहाँ आप करेंगे टर्न ऑन, टर्न ऑफ। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि नल के लिए बात होगी तो यहाँ करेंगे टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप। अगर हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, तो यहाँ कहेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ऐसे ही बोल सकते हैं स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप बोलना चाह रहे हैं जूते खोल दो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? पुट ऑफ योर शूज़। जूते खोल दो, पुट ऑफ योर शूज़। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़। तो जूते खोलने के लिए बोलेंगे पुट ऑफ योर शूज़, जूते पहनने के लिए बोलेंगे पुट ऑन योर शूज़। अगर आप बोलना चाह रहे हैं कपड़े खोल दो, पुट ऑफ योर क्लोथ्स। कपड़े खोल दो, पुट ऑफ योर क्लोथ्स। कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स। कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स। अगर आप बोलना चाह रहे हैं मास्क पहन लो, पुट ऑन योर मास्क। मास्क पहन लो, पुट ऑन योर मास्क। मास्क हटा दो, पुट ऑफ योर मास्क। मास्क हटा दो, पुट ऑफ योर मास्क।
तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आज हमने जाना कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इनको बोलचाल की भाषा में घर में आप ज़रूर बोलते होंगे, पंखा बंद कर दो, नल बंद कर दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। तो ये सारे सेंटेंसेस आप छोटे छोटे यूज़ करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे भी धीरे धीरे सुनते सुनते यही चीज़ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।